देखें, एक केस जो आज से कुछ अर्सा पहले कोई बच्ची है उसको उसका वालिद जो है वो लेके गया है और उनकी कस्टडी का कोर्ट ने उसको गार्डियन भी वालिद को करार दिया है, सवाए इसके कि वो बुकटी ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है। और ज़ाहिर है जब हम नोटेबल्स हैं, हमारी दोस्तियां भी हैं, तो वो हमारे कबीले का भी है और मैं कन्फेस करता हूँ कि वो मेरा दोस्त भी है, लेकिन इसके अलावा मेरा इस अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका फैमिली डिस्प्यूट है और इस फैमिली डिस्प्यूट को मुझ पर लादना, मैं समझता हूँ कि मुझे डिफेम करने की कोशिश है और एक नाकाम कोशिश है। मैं जुडिशल सिस्टम को समझता हूँ और मैं हमेशा हमने जुडिशरी के लिए और हमने हमेशा इस सिस्टम के लिए इसको माना है और आइंदा भी इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि मामला सब जुडिशियस है। मज़ीद इस पर गुफ्तगू नहीं हो सकती है। ये ज़रूर है कि जिस तरह आज ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे बेल दी है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे उस मौक़िफ़ की तायद है कि जिस मौक़िफ़ मेरा मौक़िफ़ है कि मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, ये इल्ज़ाम है। और इस पर क्या कहते हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि सब जुडिशियस है। इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा कि जब ये सारे इल्ज़ामात जो हैं, और मैं मेरी तो प्रेजेंस भी नहीं थी और FIR में भी मेरी प्रेजेंस नहीं है, और जब मेरी प्रेजेंस नहीं है तो मैं उस जुर्म का मुर्तकिब कैसे हूँ। तो मुझे बड़ा कभी कभार हैरत होती है कि इस तरह की FIRs करके शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछाल के ये किसी को क्या क्या हासिल होगा। इस शुक्रिया जी साहब, कल ट्रेडिशनल कोर्ट से आपकी जमानत खारिज हुई और उसके बाद आप गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, तो क्या आप प्लीज बेबस है सर या आप? कतन ऐसा नहीं है, जो काम हो गया है तो उस पर छोड़े अगली बात।